हेलो दोस्तों, पिछले 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं पोको F2 का। लेकिन दोस्तों पोको आ तो गया है, लेकिन K30 को ही रीब्रांड करके इंडिया में जो है पोको X2 के नाम से लॉन्च कर दिया। वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ रियलमी X2 को बीट करने के लिए। दोस्तों कुछ हद तक बीट कर देता है और कुछ हद तक नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोको F2 कब लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, पोको F2 की बात कर रहा हूँ, जो कि पोको ब्रांड अब इंडिपेंडेंट बन गया है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता ही होगा Redmi का K30 जो है ना, वो इंडिया में क्या आया है, पोको X2 के नाम से आया है। सेम, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ नाम चेंज करके आया है। तो वैसे ही जो है K30 Pro ही जो है पोको F2 बन के आने वाला है, या फिर दोस्तों पोको F2 जो है रहेगा K30 Pro ही, लेकिन उसमें जो है कुछ मेजर चेंजेस होके आ सकते हैं, यानी कि थोड़े जो है क्वालिटी लो आ सकती है या फिर कुछ और। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, K30 Pro जो है बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होने वाला है। वही सेम जो है रीब्रांड होकर पोको F2 नाम से इंडिया में आएगा, लेकिन 100% कॉपी नहीं होगा X2 के जैसे। उसमें कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों उसका सेल्फी कैमरा चेंज होकर आ सकता है, डिस्प्ले में भी काफी चेंजेस रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस फोन में जो है हमें K30 Pro में जो है वही जो पोको F2 आने वाला ना, उसमें हमें जो है 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। ये कंफर्म है, एक तरह की 100% सही जानकारी दे रहा हूं मैं। और साथ में उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, 4700 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जो मेरे ख्याल से जो बहुत अच्छी बात है। वही दोस्तों पोको F2 जो है K30 Pro तो रहने वाले, लेकिन K30 Pro में जो है हमें काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि OLED डिस्प्ले रहने वाली है। लेकिन दोस्तों वो रिफ्रेश रेट कितनी होगी वो सामने नहीं आई है। यही दोस्तों इंडिया में जो आएगा ना सेम, उसमें डिस्प्ले में थोड़ा चेंजेस होके आ सकता है दोस्तों। सुपर एमोलेड यूज कर ले या फिर सेम ओलेड भी लेके आ जाए, लेकिन रिफ्रेश रेट कम हो। लेकिन इस बार दोस्तों हमें पोको F2 में जो है सुपर एमोलेड या उससे भी अच्छी डिस्प्ले जबरदस्त जो है हमें देखने को जरूर मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो है अब डिस्प्ले का जमाना जो है IPS वाला कम रह गया है। रिफ्रेश रेट तो उन्होंने जो 120 हर्ट्ज हमें इसमें देखने को दे ही दी, किसमें, X2 में। लेकिन दोस्तों अब डिस्प्ले थोड़ी सी अच्छी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो है साथ में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रोसेसर जो हमें स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिलने वाला है। और जो है इसमें पॉपअप कैमरा नहीं रहेगा। पॉपअप इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जो है हमें K30 Pro में भले ही चाइना में जो है पॉपअप कैमरा देखने को मिले, लेकिन इंडिया में पॉपअप नहीं रहेगा। वो पंच होल रहेगा, वो भी सिंगल पंच होल आने के चांस है। क्योंकि दोस्तों जो है पॉपअप अगर देंगे तो उनको जो है पॉपअप मैकेनिज्म में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है पोको F2 इतना नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर प्राइस उसकी कम नहीं रखेंगे तो दोस्तों बाकी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा हो जाएगी। पोको इसलिए फेमस है क्योंकि जो है वो कम प्राइस में कॉम्पिटिशन को पूरी तरह से तोड़ देता है। जैसे 2 साल पहले आपको पता है ना 845 30,000 के नीचे नहीं आता था, लेकिन जो पोको F1 आके उसने पूरी धमाल मचा दी। लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए था ना, जिसको वो पोको F1 ले रहे थे। इसीलिए दोस्तों जो इस साल भी हमें जो है खास करके जो है प्रोसेसर मेन देखने को मिलने वाला है। कैमरा भी रहेगा दोस्तों, जिसमें सोनी IMX686 हमें सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कैमरा कितना मेगापिक्सल होगा वो सब इसके सामने कोई जानकारी नहीं आई। मेरे ख्याल से जो है इतने ज्यादा मेगापिक्सल नहीं होंगे, ठीक ठाक ही रहेंगे। लेकिन हमें इसमें फोन में जो है खास करके बैटरी और परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, और इस बार जो है डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि पोको F1 बहुत ही जबरदस्त फोन था। सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले में कुछ जगहों पर ब्लीडिंग थी, कुछ टच इश्यूज थे, इसकी वजह से जो है लोगों ने नहीं लिया कुछ कुछ लोगों ने, लेकिन फोन बहुत ही जबरदस्त था। ये प्रॉब्लम जो है पोको F2 में ना हो, इसलिए जो है हमें डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिलने वाली इस बार। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो चाइना में जो है K30 Pro बहुत ही जल्द लॉन्च हो रहा है इसी मंथ, इसलिए दोस्तों जो है पोको F2 भी बहुत ही जल्द आएगा इंडिया में। लेकिन रीब्रांड होकर वापस जो है उसमें कुछ मेजर चेंजेस होकर आएंगे, जैसे डिस्प्ले चेंज हो सकते हैं और भी कुछ, तो दोस्तों इसकी वजह से टाइम लगता है। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च या फिर अप्रैल तक ये फोन आने के चांस है। जी हाँ दोस्तों, मार्च नहीं तो अप्रैल तक। आपकी क्या राय इसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगे कि नहीं इस फोन को, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों हमारे चैनल पर छोटा सा सर्वे चल रहा है कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कौन सा फोन यूज करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि जो है आपके जो फोन ज्यादा यूज करते हैं ना, आप लोगों में से उनकी कोई भी अपडेट या जानकारी आए तो सबसे पहले, जैसे कोई अपडेट आती है OTA अपडेट, तो हम सबसे पहले इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। इसलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सा फोन यूज करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना।